अभी चलो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो है ना वन का इतना सारा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी डायग्राम एंड राइटिंग्स ऑलरेडी कर लिया जो तुम लोग ऑलरेडी देखे हो। देखो यहाँ पे तुमको क्या क्या लिखना है। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि हम लोगों को पता है कि क्या होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स ये कि हम लोगों को पता है कि क्या होता है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स पता है कि क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ये हमको पता नहीं है, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एलाइड एंगल्स ये भी पता नहीं है। देखो एडजेसेंट एंगल्स मतलब अगल बगल का एंगल्स, ठीक है, मतलब मान लो कि ये और ये हो जाता है एडजेसेंट एंगल, मतलब साइड बाय साइड जो एंगल्स होता है एडजेसेंट एंगल हो जाता है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एडजेसेंट साइड्स किसको कहता है, देखो ये और ये हो जाता है एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, मतलब एक के साथ एक अगल बगल में जो लोग है इन दोनों को एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक और एक टर्म है जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो यहाँ पे वन एंड फोर जो है ये वर्टिकली अपोजिट हो जाता है, थ्री एंड टू जो है वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। वर्टिकली अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर टू द अदर, है ना, मतलब ये फाइव एंड एट हो गया वर्टिकली अपोजिट, सेवन एंड सिक्स हो गया वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो है एडजेसेंट एंगल्स जो है ना, एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, ये और ये लीनियर पेयर मतलब समेशन जो होगा वो 180, समझ में आया। चलो अब चलते सीधा, आई होप सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो पता है, तो आई थिंक वो मैंने बता दिया है। अब चलो एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स ये क्या है, देखो एंगल थ्री ये दोनों मार्क करते हैं, एंगल थ्री एंड अच्छा चलो ब्लू से करते हैं, ब्लू से होगा तो ठीक से दिख जाएगा। देखो एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स बताया है ना, ये वाला जो सिक्स है, तो ये क्या है हम लोगों का इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, है ना, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब देखो टू के साथ फोर, टू के साथ फोर ये क्या है, हो सकता है कि लीनियर पेयर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लीनियर पेयर तो कुछ है नहीं, तो हम लोग अगल बगल का है तो इसीलिए एडजेसेंट साइड लिख देंगे, ठीक है, ए डी जे शॉर्ट में लिखा कि एडजेसेंट। अब देखो थ्री एंड सेवन, अब देखो थ्री के साथ सेवन, ये है थ्री ये है सेवन, तो थ्री के साथ सेवन क्या हो जाता है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कुछ देर पहले ही पढ़े हैं, है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग, है ना, एक अंदर का एक बाहर का, तो क्या हो गया कोरस्पॉन्डिंग। अब देखो टू के साथ सेवन, टू के साथ सेवन दोनों ही बाहर का, ये क्या हो गया एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है ना, टू के साथ सेवन एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। अब देखो नेक्स्ट जो है फोर एंड सिक्स, देखो फोर एंड सिक्स ये क्या है इंटीरियर है ना, इंटीरियर है मतलब को इंटीरियर है, एक ही घर में बैठ रहा है तो फिर को इंटीरियर। अब देखो वन एंड एट, वन एंड एट क्या हो जाएगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, है ना, वन एंड एट देखो एक्सटीरियर है ऑल्टरनेट है, ठीक। अच्छा अब चलो ये वाला लाइंस को हटा देते हैं ताकि समझ में आ जाए नेक्स्ट वाला। चलो अब जो देखो वन एंड फाइव, तो ये वन के साथ फाइव, तो वन के साथ फाइव क्या हो जाएगा, देखो एक अंदर का एक बाहर का, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग। अब देखो वन के साथ फोर, वन के साथ फोर वर्टिकली अपोजिट, अभी बताया वर्टिकली अपोजिट, फाइव के साथ सेवन, फाइव के साथ सेवन, तो ये भी वही सेम लिनियर पेयर या फिर एडजेसेंट अगल बगल का, है ना, एडजेसेंट क्योंकि ये फाइव है सेवन है तो अगल बगल का है तो एडजेसेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर वन एंड नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर वन एंड फोर, वन एंड फोर, तो फिर ये जो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, है ना, वर्टिकली अपोजिट। अब जो देखो फोर एंड सेवन, फोर एंड सेवन किधर है, यहाँ पे है फोर यहाँ पे है सेवन, तो फिर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट एंगल हो रहा है ना, देखो ये फोर एंड ये सेवन, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो इंटीरियर ऑल्टरनेट, है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट। इंटीरियर क्यों होगा, देखो अंदर में है बाहर में नहीं है, अंदर में है इसीलिए इंटीरियर हो गया। देखो ये भी अंदर में है ये भी अंदर में है, तो दोनों अंदर में है, बाहर वाला कौन सा है, ये है बाहर वाला, ठीक है, ये फाइव है बाहर वाला, लेकिन फोर जो है अंदर वाला है, ठीक है। अच्छा फोर को छोड़ दो, सेवन को देखो, सेवन जो है ये अंदर में है ना, ये तो बिलीव करोगे कि सेवन अंदर में, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है नहीं हो सकता क्योंकि सेवन अंदर में है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट हो जाएगा। अब देखो टेन एंड ट्वेल्व, टेन एंड ट्वेल्व मीन्स ये दोनों, ये भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो सेवन एंड थर्टीन, सेवन एंड थर्टीन मतलब ये है सेवन एंड ये है थर्टीन, अच्छा एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो ये क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना,
अब देखो सिक्स एंड एट क्या हो जाएगा, सिक्स एंड एट कहां पे है, तो सिक्स एंड एट ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट। अब देखो इलेवन एंड एट, इलेवन ये है, इलेवन ये है एट, ठीक है। इलेवन एंड एट क्या हो जाएगा, देखो को इंटीरियर हो जाएगा है ना, को इंटीरियर, क्योंकि सेम साइड में है और अंदर में है ना, सेम साइड में है अंदर में है, ठीक है। को इंटीरियर मतलब यहां पे भी नीचे इसका ऊपर, तो हम लोग का लॉजिक क्या था, अगर ऐसा होता है तो को इंटीरियर किसको कहता है, यहाँ का और यहाँ का है ना, इसका इधर, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है, इसका नीचे इसके ऊपर, तो अगल बगल है ना। चलो अब देखो सेवन नाइन, सेवन यहाँ पे है, नाइन यहाँ पे है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट। फोर फाइव, देखो फोर फाइव, फोर फाइव, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो सकता है ना, या फिर एडजेसेंट हो जाएगा है ना। अब देखो फोर सिक्स, फोर सिक्स ये है फोर, ये है सिक्स, किधर है, ये है सिक्स, तो फोर के साथ सिक्स देखो सेम साइड में है, तो ये क्या हो गया, को इंटीरियर हो जाएगा, को इंटीरियर है ना, दोनों देखो इसका नीचे इसके ऊपर, तो ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स एंड सेवन, देखो सिक्स यहाँ पे, सिक्स है, सेवन है यहाँ पे, तो वही सेम एडजेसेंट, अगल बगल का, सिक्स के बाद सेवन, रब कर देते हैं, यहाँ पे है हम लोग का सिक्स, यहाँ पे है सेवन। अब देखो टू एंड थर्टीन, तो टू किधर है बेटा, यहाँ पे है टू और यहाँ पे है थर्टीन, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, देखो को इंटीरियर, समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझे हो, तो कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ मतलब समझ जाओगे तो फिर ये सार का सारा क्वेश्चन करने का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस कंसेप्ट से बन जाएगा, कैसा है कैसा नहीं है क्या है, कंसेप्ट से बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या बताया कि इन द फॉलोइंग फिगर्स द एरोज इंडिकेट पैरेलल लाइंस, अच्छा एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है पैरेलल लाइन, तो स्टेट व्हिच एंगल्स आर इक्वल गिव रीजंस, अच्छा तो देखो थ्री पार्ट ये है, वन वन में क्या है, देखो ऐसा वाला डायग्राम है, ये दोनों एरो है और ऐसा है, बताया गया है ये ए है, ये डी है, ठीक है, अब यहाँ पे बी है, ये सी है, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है ना, ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग का क्या क्या इक्वल हो जाएगा, देखो ए और बी जो है वो इक्वल है, ए इक्वल्स बी, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी हो जाता है। अब देखो वो एंगल सी इक्वल्स एंगल बी, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट जो है ये दोनों इक्वल है, उल्टा भी लिखो कोई बात नहीं, एंगल बी इक्वल्स एंगल सी जो है ये भी लिखो, ए इक्वल बी है, देन बी इक्वल सी है, ठीक है, एंड देन अगेन ए इक्वल सी है। अब यहां पे लॉजिक क्या लगाया मैंने, देखो ए इक्वल सी मतलब ये दोनों क्या है, इंटीरियर कोरिस्पोंडिंग, इंटीरियर कोरिस्पोंडिंग, इंटीरियर ऑल्टरनेट है ना, सही बोले, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ए इक्वल्स बी, ए इक्वल्स बी, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ये क्या हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो वो हो जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड बी इक्वल सी, देखो ये बी और सी, बी और सी जो है ये हो जाता है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, ये तीनों इक्वल है, तो दे दिए रीजन, हो गया नंबर टू, बनाते हैं डायग्राम, देखो ऐसा टाइप का डायग्राम है, ये दोनों पैरेलल है, अच्छा यहां से ये सीधा गया है, यहां से ये सीधा गया है, ये दोनों सीधा है ना, है मतलब समझ में आ रहा है, अरे अब बना समझ लेना, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है, समझना तो है, नहीं समझोगे तो और क्या होगा, देखो एक्स वाई गिवन है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे लिख लो एक्स इक्वल्स वाई, मतलब एंगल देख के लिखो, एंगल एक्स इक्वल्स एंगल वाई, अब देखो यहाँ पे क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, क्यू आर ये भी इक्वल है ना, एंगल क्यू इक्वल्स एंगल आर,
एक्स इक्वल वाई, ये क्या हो गया देखो, वर्टिकली अपोजिट है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने जा रहे थे लेकिन वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। एंड क्यू इक्वल्स आर, क्यू इक्वल्स आर ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट मैट्रिक्स बता रहे थे आपको क्लास 10 का। अच्छा यहाँ पे जो है एडजेसेंट एंगल्स, ये तो हम देखो और क्या क्या बताया कि एल इक्वल्स टू एल हो सकता है, ये दोनों इक्वल है, ये के है, ये एल है, एल एम एन के, तो मतलब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है देखो, एल इक्वल्स एन हो सकता है, के इक्वल्स एम हो सकता है ना, बहुत सारे बहुत कुछ हो सकता है। देखो एल इक्वल्स एन हो सकता है, दैट मीन्स ये भी हो सकता है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, के इक्वल्स एम हो सकता है, ये भी हो सकता है वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। अब और क्या टाइप का हो सकता है, देखो ये जो है ना के के साथ क्यू, ये भी हो सकता है के इक्वल्स क्यू, क्योंकि देखो नीचे का नीचे सेम पोजीशन वाले क्या हो जाएगा, को इंटीरियर होगा कि नहीं होगा, सेम पोजीशन वाले क्या हो जाएगा, को इंटीरियर नहीं होगा, कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, सेम पोजीशन वाले कोरस्पोंडिंग, दैट मीन्स एक अंदर एक बाहर कोरस्पोंडिंग हो गया है ना। और क्या हो सकता है देखो, वाई के साथ क्यू हो नहीं सकता, सेम जगह पे होना चाहिए, एन के साथ क्यू होगा है ना, एन के साथ क्यू, क्योंकि देखो ये एन और ये क्यू, एन नहीं एम के साथ, ये एम के साथ ये क्यू, तो ये भी क्या हो गया अल्टरनेट, क्या देखो बाहर का एक्सटीरियर, एम जो है एक्सटीरियर है, क्यू भी एक्सटीरियर, तो यहाँ पे हो सकता है एक्सटीरियर अल्टरनेट है ना, हो सकता है। अब देखो और क्या हो सकता है, अच्छा देखो एक्स के साथ एल का भी एक रिलेशन हो सकता है, एक्स के साथ एल का है ना, तो देखो एक्स के साथ एल का रिलेशन हो सकता है, एक्स के साथ एल देखो ये भी है, तो क्या हो जाएगा, को इंटीरियर है ना, को इंटीरियर होगा नहीं होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, एक्स के साथ एल कॉरेस्पॉन्डिंग। और क्या हो सकता है देखो ये एक्स के साथ एन का रिलेशन हो सकता है ना, एक्स के साथ एन का रिलेशन हो सकता है, तो ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो सकता है ना, एक्स एंड एन, बहुत ध्यान से देखो, एक्स के साथ एन, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है एन, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट हो सकता है। अब देखो एक्स के साथ आर का भी, एक्स के साथ आर का भी रिलेशन हो सकता है, एक्स के साथ आर का भी रिलेशन हो सकता है, वो भी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, देखो बाहर बाहर एक्सटीरियर अल्टरनेट, तो एक्चुअली में यहाँ पे देखो कितना सारा इक्वल हो रहा है, देखो x equals y यहां से आ रहा है, ठीक है, देन देखो y से l का भी एक रिलेशन हो सकता है, देखो y से l का यहां पे भी एक रिलेशन हो सकता है, y से l का रिलेशन क्या हो गया देखो, इंटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है। अब देखो l के साथ ये वाला कर लिया, एल के साथ एन का एक रिलेशन है, ये भी पुट कर दो, एंड क्यू के साथ आर का है, एन के साथ आर का निकाले थे ना, हाँ यहां पे तो ये एक रिलेशन हो सकता है ना। और एक क्या हो सकता है देखो हम लोग का, के इक्वल्स एम इक्वल्स क्यू, ये तीन हो सकता है, कहां से देखो, ये तीन से हो सकता है ना, देखो यहां से हो सकता है, के इक्वल्स एम एंड के इक्वल्स क्यू, के इक्वल्स क्यू, के इक्वल्स एम, के इक्वल्स क्यू ऑलरेडी निकाले हैं, एंड देन एम इक्वल्स क्यू, देखो एम इक्वल्स क्यू ऑलरेडी यहां पे भी निकाले हैं, ठीक है। देखो x इक्वल्स एल ऑलरेडी निकाले हैं, देखो q इक्वल्स आर ये एक निकाले है ना, q इक्वल्स आर एडजेसेंट, तो q के साथ इक्वल्स आर कर दो, हो सकता है। अब देखो x इक्वल्स एन ये मैंने लिख दिया, और कुछ बचा बुचा नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब तुमको ऐसे नहीं पूछेगा कि कितना सारा मैच हो सकता है, कितना सारा मैच नहीं हो सकता, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या क्या इक्वल है क्या क्या नहीं, ये तो बस बुक का सम है,
एग्जाम में कोई ऐसा टाइप का एक डायग्राम देगा और डायग्राम देके पूछेगा कि दिस इक्वल्स टू दिस होगा कि नहीं होगा, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 जैसा क्वेश्चन है वो पूछेगा, ठीक है। अच्छा चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अननोन जो एंगल्स है वो हमको करना है। देखो ये बड़े मजेदार है, ये हमको बड़ा मजा आता है करने में, है ना। देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, अरे ये कैपिटल क्यों लिख दिया मैंने, ए बी सी डी। अब देखो क्या है, देखो यहां पे है कि ई एफ जी एंड इसको बताया गया है कि 110। अब देखो ये 110 मतलब इसका ऑपोजिट वाला ये हो जाएगा 110, है ना। अब देखो ये 110 है मतलब ये वाला, ये टोटल कितना होता है 180 होता है ना, ये टोटल 180 होता है। तो फिर 180 माइनस 110 करो, 110 करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो आया, 11 से 18 हो जाएगा कितना 70, तो जी हो गया मेरा 70, तो जी 70 हुआ तो ई भी ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगा, है ना। सेम इंक पे लिखते हैं, यहाँ पे जी अगर हो जाएगा 70 तो ई भी हो जाएगा 70, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो एक से सारा निकल जाएगा, 110 था ये 110 है। अब देखो ये जो पूरा है ना ये 180 है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ये एंगल, तो इसको क्या कहता है, स्ट्रेट एंगल होता है ना, ऑलरेडी एंगल में पड़े हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 110, 180 से 110 माइनस करो तो 70 हो गया, ये 70 हो गया तो वर्टिकली ऑपोजिट भी 70 हो जाएगा। अब देखो ये वाला 70 होता है क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये दोनों पैरेलल है ना, ये दो एरो मतलब ये दो पैरेलल है, तो दैट मींस ये 70 है तो इसका ये ऊपर वाला भी 17 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ई इक्वल्स टू एंगल बी होता है, क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग होता है ना, एंगल ई एंड एंगल बी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक इंटीरियर एंड एक एक्सटीरियर, है ना, होता है ना। तो फिर यहाँ पे ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ई 70 है तो बी भी 70 हो जाएगा इसका एक उदाहरण। अब देखो बी 70 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 70 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब देखो ये 70 है तो ये पूरा फिर से 180 हो गया, तो ये 70 है इधर का, तो इधर का कितना होगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करो 70 को, 180 से 70 सब्ट्रैक्ट करो तो घूम फिर के वही 110 आ जाएगा। तब ये क्या हो गया, 110 ये हो गया तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 110, तो सारा का सारा आ गया। देखो ए हो जाएगा 110, बी हो जाएगा 70, सी हो जाएगा 70, डी हो जाएगा 110 एंड ई हो जाएगा 70, एफ हो जाएगा 110 एंड जी हो जाएगा 70। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं, एक पता है तो बाकी सारा पता हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं होता तो पता चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये सब इक्वल होता है बेटा, इसीलिए पैरेलल में इजीली निकाल जाते हैं, लेकिन अगर पैरेलल नहीं होता तो दिक्कत होता, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बताया कि विच पेयर ऑफ द डॉटेड लाइन सेगमेंट्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर पैरेलल गिव रीजन। देखो डॉटेड फर्स्ट वन क्या है, डॉटेड लाइन पैरेलल है कि नहीं पूछा गया है। ये एक, अच्छा ये जो लाइन है ये सीधा लाइन है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बताया है कि पैरेलल है कि नहीं है, लेकिन क्या दिया है, देखो ये बताया है कि 120 एंड ये बताया है कि 50। अब देखो पैरेलल लाइन में हम लोगों का पता होता है कि ये और ये दो जो एंगल होता है वो क्या होता है, ये दोनों इंटीरियर मतलब को इंटीरियर है ना, को इंटीरियर इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सीन्स को इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल सो इट्स नॉट अ पैरेलल लाइन, समझ में आया। चलो ना नंबर 2 करते हैं, मतलब बस जो कंसेप्ट है ना वो दिमाग में रखना है बेटा, बाकी सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो नंबर 2 का क्या है, देखो ये अच्छा डॉटेड है, ये डॉटेड है, ये डॉटेड है ना। अब देखो यहाँ पे ऐसा वाले लाइन है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि ये है 135 एंड ये है 45, है ना, ये 45। अब देखो बेटा यहाँ पे बता रहा है कि हम लोगों को क्या करना है, देखो पहले तो जो है यहाँ से ढूंढना है, यहाँ से ढूंढना है कि ये 135 है तो फिर ये हो जाएगा 135, है ना, तो ये 135 है तो ये कितना होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 180 हो गया, तो 180 से 135 को सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे कितना आया 8, ओके 7, तो 13 से 7 कितना हो जाएगा, दैट मीन 17 हो जाएगा, है ना, तो 13 से 17 कितना हो जाएगा बोलो,
4, तो 45, तो दैट मींस ये 45, तो ये 45 इक्वल्स टू ये 45, दैट मींस इक्वल आ रहा है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे कि सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब पता चल रहा है ना, ये वाले नीचे, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, तो सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन इट्स पैरेलल लाइन। समझ में आया, इट्स मतलब डॉटेड लाइन के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5.12 हो गया, चलो 5.3, अब उतना सारा रीजन नहीं लिखेंगे, बस बता देंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला लाइन है, यहाँ पे ये एक डॉटेड है और यहाँ पे ये एक डॉटेड है, ऐसा डॉटेड है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि रीजन बताना है, देखो देख के पता चल रहा है कि ये और ये तो पैरेलल नहीं है, तो रीजन क्या होगा वो बताना है तुमको बेटा, देख के पता चल रहा है कि नहीं है लेकिन रीजन क्या है वही बताना है। देखो यहाँ पे वही वाला रीजन लिखेंगे, तो अगर पैरेलल होता, देखो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अनइक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं कि अनइक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये है ही नहीं, पैरेलल है ही नहीं, ठीक है। चलो ना नंबर फोर करते हैं, फोर में देखो ऐसा टाइप का है, ये डॉटेड एंड देन ऐसा वाला लाइन है ना, ऐसा वाला लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये है 70, यहाँ पे बताया गया है ये है 110, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये है 70 एंड ये है 110, ठीक है। अब देखो ये 110 है, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 180 होना चाहिए ना, ये पूरे को 180 होना चाहिए, तो फिर ये 110 है मतलब पूरा कितना है 180 110, तो यहाँ पे आया 0, तो यहाँ पे कितना आया 70, तो ये बेटा आ रहा है 70। तो देखो दिस इक्वल्स टू दिस, दैट मींस इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज ट्रू, ठीक है। मतलब ये जो डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये डॉटेड है, ये है, ये है, अब यहां से ये सीधा लाइन है, अब यहां से ये सीधा है, ठीक है, ऐसा लाइंस है। अब देखो क्या लिखा क्या है, ये है हम लोगों का 70, ये है हम लोगों का 100, ये है हम लोगों का 80, ठीक है, ये है हम लोगों का 70। अब देखो पूछा गया कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, देखो लाइन कितना सारा है, देखो लाइंस का नाम भी गिवन है, देखो यहाँ पे बताया है कि ये I1 नहीं L1 बताया, ये L1 है, यहाँ पे ये है L2, यहाँ पे ये है L3, यहाँ पे ये है L4, यहाँ पे है L5, ठीक है। तो पांच लाइन है यहाँ पे, तो पांच लाइन में से अगर कोई है तो वो कौन कौन है, देखो डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी पैरेलल नहीं है, लेकिन रीजन क्या है, देखो ये और ये, पहले L1 एंड L2 देखो, L1 एंड L2 में क्या है, देखो ये जो है ना इंटीरियर क्या बता रहा है, ये जो है को इंटीरियर है ना, को इंटीरियर नॉट इक्वल, दैट मींस L1 एंड L2 क्या है, पैरेलल नहीं है। अब देखो L1 के साथ ये, L2 के साथ ये तो पैरेलल हो ही नहीं सकता, L2 एंड L3 नॉट पैरेलल, ठीक है। अब देखो L3 L4 ये भी नॉट पैरेलल है, L3 L4 पैरेलल नहीं है, देखो L3 एंड L4 ये भी पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल, ठीक है। देखो ये और ये दोनों लाइन है, होना चाहिए था लेकिन नहीं है, क्योंकि सेम नहीं है, इक्वल होना चाहिए, तो बिकॉज यहां पे क्या बता रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग Not equal. अब देखो चलो L4 L5 ये तो सीधा ही दिख रहा है, नहीं है। अब देखो L1 के साथ L2 नहीं हो रहा है, L3 नहीं हो रहा है, L4 नहीं हो रहा है। अब L2 एंड L4 देखो, L2 एंड L4 यहां पे जो है ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा L2 एंड L4, देखो कैसे, ये वाला जो है ना डॉटेड लाइन है,
यहाँ पे देखो इन टू है, यहाँ पे देखो ये दो पैरल है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। देखो यहाँ पे ये है 100 और L4 मतलब यहाँ पे ये वाला जो है 80 बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड करो। तो देखो ये वाला साइड ये पूरा 180 होना चाहिए, तो ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि 180 है। अब देखो ये एंगल एंड ये एंगल सेम हो रहा है ना, तो अल्टीमेट डायग्राम कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। देखो ये एंगल एंड ये वाला एंगल, तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ये दोनों इक्वल हो रहा है ना। देखो ये भी 80 हो रहा है, ये भी 80 हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, एक इनसाइड वाला एक आउटसाइड वाला। तो फिर L2 एंड L4 इक्वल्स टू पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेलल बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। 5 हो गया, अब चलो नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 में क्या है, अच्छा ये तो हो ही रहा है फॉल्स, तो ये डायरेक्टली हम फॉल्स कर दे रहे हैं, या फिर डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो ये डायग्राम मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन जो है जोड़ दो, यहाँ से डॉटेड लाइन जो है ये वाला भी जोड़ दो, ठीक है। देखो यहाँ पे पैरेलल तो हो ही नहीं रहा क्योंकि ये जो है 40 है, यहाँ पे ये जो है 50 आ रहा है, तो देखो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग तो है ही नहीं क्योंकि इसके साथ इसका रिलेशन हो सकता है। देखो ये 50 है तो यहाँ पे ये भी 50 होना चाहिए, तो ये 50 है तो ये ऑल्टरनेट है, तो इसको 50 होना चाहिए था। अगर दोनों 50 होता यहाँ पे, ये अगर 50 होता तो तब जाके इक्वल होता क्योंकि दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस उल्टा साइड, लेकिन यहाँ पे ये बंदा लिखा गया है कि ये 40 है, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होगा मतलब ये नॉट पैरेलल, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बताया कि डायरेक्टेड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर फाइंड अननोन एंगल्स, मतलब अननोन एंगल्स ढूंढना है, तो फिर ये वाला एंड ये वाला जो है पैरेलल बताया गया है, बीच में से एक लाइन है ढूंढना है। यहाँ पे ए सी गिवन है, अच्छा ए है सी है, यहाँ पे ये है ठीक है, तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे बताया गया कि ये 60 डिग्री है। तो देखो ये तो अल्टीमेटली ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट, तो ये 60 है तो ये 60। अब देखो यहाँ पे ये है तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और ये 60 है तो सी भी हो जाएगा 60 है ना, तो फिर ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट। तो फिर 60 डिग्री एंड एंगल बी दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट, That is equals to 60, मतलब एंगल बी भी 60 हो गया। एंड यहाँ पे एंगल बी एंड एंगल ए दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी एन ए क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, तो फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, दोनों ही 60 हो जाएगा, बी एन ए 60 हो जाएगा। एंड ए एंड सी, एंगल ए एंड एंगल सी ये क्या हो गया है, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट, तो फिर दोनों ही क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये जो है ना बेटा तुमको लिखना है ऐसे, ठीक है। चलो ये 6 पार्ट 1 था हम लोगों का, हो गया। अब चलो 6 पार्ट 2 बनाते हैं। 6 पार्ट 2, देखो 6 पार्ट 2 में भी वही सेम लिखा गया है, सेम लिखा गया है, ऐसा नहीं कि सारा का आंसर भी सेम होते जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे जो है ये 55 बताया है, और यहाँ पे जो है जेड निकालना है, यहाँ पे वाई भी निकालना है, एंड नीचे एक्स भी निकालना है। तो देखो ये तो सिंपल है, ये 155 तो मतलब ये 55 तो ये भी 55 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, 55 एंड एंगल वाई ये दोनों क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे वाई एंड जेड, तो ये 55 है तो ये पूरा को 180 होना था है ना, तो फिर 180 माइनस 55 कर दो कितना आता है, 125 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना आया, 55 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल जेड इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 माइनस 55 तो 125, समझ में आया। ऐसा करके तुमको दिखाना है, ये वाला नहीं दिखाना है, ठीक है, ऐसा करके तुमको लिखना है, ठीक है, ये दिखाना है तुमको। अब चलो यहाँ पे देखो क्या है, एक्स बताना है, एक्स बताना है, तो एक्स बताना है तो एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, देखो 125 हो जाएगा क्योंकि एंगल जेड इक्वल्स टू एंगल एक्स, क्यों, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल है तो एक इंटीरियर एक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, जेड एंड एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग, सो इक्वल, तो फिर दोनों ही 125 डिग्री हो गया, समझ में आया। चलो भाई हम लोग 6 पार्ट 3 करते हैं। 6 पार्ट 3 में देखो क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
यहाँ पे ये है 120 डिग्री, यहाँ पे है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो देखो बताया गया है कि ये 120 है, तो ये 120 दैट मीन्स ये ए जो है क्या बनेगा पता नहीं, है ना। ये 120 है तो देखो ये साइड कितना होगा निकालो, ये वाला साइड कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि 120 से 180 से 120 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये पूरा जो है 180 है। तो फिर नीचे वाले भाई साहब अगर 120 है तो ऊपर वाले भाई साहब 60 डिग्री होगा, तो ये 60 है तो ये ए भी हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो ए 60 है तो बी भी 60 डिग्री। एंड ये वाला सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, तो ये वाला भाई साहब 60 है तो ये वाला भाई साहब 120 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो फिर सी इक्वल्स टू मतलब 120 डिग्री एंड सी इक्वल्स टू क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसीलिए ये हो गया 120 एंड एंगल बी हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये हो गया 60 डिग्री। समझ में आया? चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स पार्ट फोर। सिक्स पार्ट फोर, ये जो पूरा एंगल है ना इसको जेड नाम दिया गया, ठीक है, और इधर वाले छोटे भाई साहब को एक्स, यहाँ पे ये वाला भाई साहब को वाई, एंड ये बताया गया है कि 120 डिग्री है, और ये वाले भाई साहब जो बताया गया है कि 50 डिग्री है ना। तो फिर यहां से ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता चल रहा है कि ये 50 है, दैट मीन्स ये एक्स भी 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। समझ में आ रहा है ना, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अब देखो ये 50 है तो इधर वाले भाई साहब को कितना होना पड़ेगा, कितना होना पड़ेगा पता नहीं, कितना होना पड़ेगा, लेकिन ये y जो है इसका इक्वल है कि नहीं, ये वाले साइड का इक्वल ये y है कि नहीं, क्योंकि ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है, तो ये y का इक्वल ये है कि नहीं, ये दोनों बोल्ड लाइन तो ऑब्वियसली इक्वल है। अब देखो ये वाला भाई साहब 120 है तो ये पूरा कितना है 180, तो फिर 180 माइनस 120 करोगे तो ये वाला निकलेगा ना, ये वाला निकलेगा, तो फिर कितना हो जाएगा वो 60 डिग्री। तो फिर ये 60 डिग्री हुआ तो वाई भी 60 डिग्री होगा, एंड ये पूरा एक सर्कल बन रहा है ना, बीच में एक सर्कल बन रहा है, देखो ऐसा वाला डायग्राम है ना, ऐसा वाला डायग्राम है, यहाँ पे ऐसा है, तो बीच में ये पूरा एक सर्कल बन रहा है। तो देखो ये ऊपर वाला बताया गया है कि ये 50 है, ये नीचे वाला बताया गया है कि ये 60 है, तो यहाँ पे ये पूरा जो जेड है ये कितना हो जाएगा, एक सर्कल का पूरा जो होता है वो सी 360 होता है, तो 360 से 50 माइनस 60 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 360 से माइनस 56 कितना होता है, 110 होता है। तो मतलब क्या, दो माइनस होता है तो ऐड हो जाता है ना, माइनस साइन बैठ के सब ऐड हो जाता है, या फिर तुम अलग अलग भी कर सकते हो, 360 से पहले 60 माइनस करो देन 50 माइनस करो, ये माइनस करना तुम्हारे ऊपर है, तो फिर 250 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये पूरा जो ये जेड है ना बेटा ये बन जाएगा 250 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पे चलो एक और बार समझते हैं, डायग्राम ऐसा कुछ था, डायग्राम ऐसा कुछ था, ये पूरा जो है ये हम लोग का एक था, और ये जो भाई साहब है ना इसको हम लोग जेड बता रहा था बुक में, इसको हम लोग मतलब ये बुक में जेड बता रहा था, और इसका वैल्यू ही चाहिए, पूरा जेड का वैल्यू चाहिए। तो फिर ये ऊपर वाले हो गया 50, नीचे वाले हो गया 60, तो यहां से 360 से एक बार 60 माइनस करो आता है 300, और 300 से एक बार ये 50 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आता है 250, तो जेड वाले भाई साहब, ये जेड वाले भाई साहब हो जाएगा 250 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स पार्ट फाइव। देखो यहाँ पे पहले ना ये डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझना है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, भले ही ये मतलब एकदम नजदीक आ गया हो लेकिन समझना, समझने के लिए काफी है। ये अंदर वाले ये 30 डिग्री बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये जो बता रहा है ये 90 डिग्री बता रहा है। अरे भाई क्या क्या बता रहा है पता नहीं, हम लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे है ना, जरूर बना लेंगे, क्यों नहीं बनेगा। अब देखो इधर ऊपर में के है, इधर में वाई है, ये नीचे जेड है, और यहाँ पे एक्स है। देखो डायग्राम हुआ कि नहीं, बना कि नहीं, तो हम लोगों को ये के एक्स वाई जेड ये चारों का चारों ही ढूंढना है ना, चारों का चारों ढूंढना है। देखो सीधा पहले ही ये जो है एक परपेंडिकुलर है ना, तो या फिर यहाँ पे ये वाला भाई साहब 90 है तो ये वाला भाई साहब भी 90 हो जाएगा, है ना, ये एक्स, तो फिर एक्स इक्वल्स 90 मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है,
को इंटीरियर है ना, को इंटीरियर एंगल से, मतलब ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, ठीक। अब देखो ये वाले जगह का थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बताया है इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके ड्राइंग करते हैं, ऐसा टाइप का है ना। तो देखो हम लोगों को बताया गया है कि ये राइट साइड जो है ये बेटा 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये लेफ्ट साइड जो है ये 90 बनेगा। हाँ कि ना, ये नीचे का नहीं, ये वाले का बात कर रहे हैं, ये वाले 90 बनेगा है ना। और यहां पे बताया गया कि ये है 30, तो ये है 90, ठीक है। चलो एक बार समझाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये जगह को थोड़ा सा हम बड़ा करके कर रहे हैं, देखो ऐसा हुआ है, ऐसा है ना। हमको ये ऊपर वाले चाहिए, ये के है, ये वाले चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो देखो बताया गया कि इस साइड है 90, तो ऑपोजिट साइड भी 90 हो जाएगा है ना, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी एंगल तो ये पूरा हो जाता है 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये वाले जगह बताया है कि 30 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल्स में, मतलब ट्राइंगल्स में हम लोग सीखा है, ट्राइंगल का लॉजिक से हम लोग को ऑलरेडी पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब हम पूरा एक साथ लॉजिक जो है वो समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये ट्राइंगल्स का पहले वाला चैप्टर है तो यहाँ पे ट्राइंगल्स का लॉजिक तुम लगा नहीं सकते हो बेटा। एग्जाम में बस तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा और तुमको सॉल्व करना, ठीक है। तो वहां पे लिखा नहीं होगा कि ये ट्राइंगल का पहले वाला चैप्टर है तो ट्राइंगल कॉन्सेप्ट तुम लगा नहीं सकते, ये सब कुछ नहीं कहेगा, बस बेटा सॉल्व करने को बोलेगा। तो देखो यहाँ पे हम बता रहे कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो दैट मीन्स हम लोग ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मिलके 180 होना चाहिए। तो ये है मेरा 90, ये है मेरा 30, तो बचा ऊंचा एंगल क्या होगा, देखो 180 माइनस 90 प्लस 30 है ना, दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर 90 प्लस 30 कितना होता है 120 होता है ना। तो फिर 180 माइनस 120 तो बचा कितना 60 डिग्री। तो फिर ये वाला एंगल बन रहा है ना 60, तो फिर के एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है, बनेगा ना 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो फिर एंगल के का वैल्यू भी निकल गया हम लोगों का 60 डिग्री। एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके एकदम पूरा अच्छी से समझाएंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो यहां पे ये के हम लोगों को निकल गया कि ये है 60 डिग्री भाई साहब, तो के 60 डिग्री है तो वाई हमको कितना डिग्री होना चाहिए या फिर जेड कितना डिग्री होना चाहिए। देखो बेटा ये जो है दो पैरेलल लाइन है और इसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल गया है, यहां पे है के एंड यहां पे है जेड, तो दैट मीन्स ये वाला डायग्राम को थोड़ा समझ में आ रहा है, ये वाला डायग्राम को मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा हटा देते हैं बोर्ड को, क्लियर कर देते हैं बोर्ड को, ठीक है। ये वाला के कैसे निकला समझ में आया, तो बस कुछ नहीं, सम ऑफ द मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, तीनों एंगल मिला के 180 होता है, दो एंगल मेरे पास था, थर्ड एंगल निकल गया 180 से, दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जो आया 60, तो दैट मींस ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो के आ गया 60। अब हम जेड निकाल रहे हैं, देखो ये वाला जो है पूरा का पूरा भूल जाओ, आप जेड निकाल रहे हैं। जेड का डायग्राम ऐसा क्या है, ये जो नीचे का ये जो लाइन है ना, ये नीचे का ये जो लाइन है ना, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ये जो लाइन है ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, बस उस लाइन को भूल जाओ, बस उस लाइन को भूल जाओ, छोड़ के बाकी डायग्राम को देखो, ये वाले डायग्राम को देखो, ये वाले डायग्राम को देखो। इस डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है, देखो के और जेड जो है ये क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल लग रहा है ना। तो अगर के का वैल्यू 60 हो जाएगा तो जेड का वैल्यू भी 60 होगा कि नहीं, होगा ना, क्योंकि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहां पे लिख लो कि के इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं बताओ, चलो एक और बार बताते हैं। ये है लाइन, ये है लाइन, यहां से ये लाइन गया है और यहाँ पे है हम लोग का के, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे है के, यहाँ पे है जेड, तो ये दो एंगल क्या लग रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट लग रहा है कि नहीं। तो के का वैल्यू अगर 60 हो गया तो जेड का वैल्यू भी 60 होगा कि नहीं, होगा ना, समझ में आया। अब देखो यहां से ये ही कंटिन्यू करते हैं, तो जेड का वैल्यू हम लोग का आ गया है कि 60 डिग्री, जेड का वैल्यू आ गया, तो ये जो है 180 है, फिर से देखो ये जो है 180 है ना, तो यहाँ पे क्या है y है। तो एक्चुअली और अच्छे से डायग्राम को थोड़ा सा मोटा करके देखते हैं, यहाँ पे z है, यहाँ पे हम लोग का k है और ये वाला पूरा जो है, ये पूरा जो है 180 है ना,
ये 60 डिग्री है निकल गया, ये 60 डिग्री है निकल गया, है ना, ये वाले डायग्राम को ही ड्रॉ कर रहे हैं, ये 60 डिग्री निकल गया, ये के जो है 60 डिग्री है, ये जेड जो है 60 डिग्री, तो यहाँ पे बताया गया कि ये वाई है, तो फिर 180 माइनस 60 कर दो, ये वाई हो जाएगा 120 डिग्री, वाई हो जाएगा 120 डिग्री, आंसर चेक कर लो। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला बताओ बस। चलो बात खत्म करो ये वाले क्वेश्चन का, 6.5 समझ में आया। अब चलो 6.6 करते हैं। देखो क्वेश्चन को ना इजी तरीका से समझो, इजी तरीका से समझो। देखो यहां पे क्या है, ये ऐसा लाइन है, अच्छा ये दो पैरेलल है नहीं, तो हम लोग वैसा ही ड्राइंग करते हैं, देखो यहां पे बताया है कि Q, यहां पे बताया है कि P, यहां पे X, यहां पे S, ये बताया गया है कि 110 है, ठीक है, यहां पे है बंदा Y, यहां पे बताया गया कि ये है 60, और यहां पे है T, यहां पे है R। अब देखो ये 110 है, दैट मीन्स ये X जो है 110 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला 110 हो गया, ध्यान से समझो, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये भाई साहब 60 है, दैट मीन्स इसका अपोजिट वाला भी 60 होगा, लेकिन अपोजिट वाला हम लोग को चाहिए ही नहीं, तो फिर ये वाला टी तो निकल जाएगा, कैसे, 180 से माइनस करो, 180 से माइनस करो, तो टी हम लोग का हो गया 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि 180 माइनस 60 के, ये जो है आर बंदा, आर भी हो जाएगा 120, क्योंकि एंगल टी इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकली अपोजिट, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा जरूर। अब देखो अरे यहाँ पे क्या किया समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इतना देर से तो वही कर रहे हैं, चलो एक और बार समझाते हैं। देखो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन गया है, ये नीचे जो है ये भाई साहब 60 है, ये भाई साहब इधर जो है आर है, डायग्राम को रिड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाला जो है ना ये 120 है ना, ये पूरा कितना है 180 है ना, स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो है 180 है, तो नीचे वाला 60 है, तो ऊपर वाला क्या होगा 180 माइनस 60 हो जाएगा ना, 120 आता है भाई आंसर, 120 डिग्री, तो आर जो है इसके साथ आर का क्या रिलेशन है, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये भी 120 बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आया आप। चलो अब बाकी बनाओ, देखो ये तो 60 डिग्री है, तो वाई भी हम लोगों का 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 60 से ये वाला जो है, 60 से ये वाला जो है क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है ना, 60 से ये वाला जो है ऑल्टरनेट एंगल है ना, कौन सा ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट है ना, होगा कि नहीं, एक्सटीरियर तो ये वाला होता है, ये तो इंटीरियर है, तो फिर वाई का वैल्यू भी आ गया, तो देखो एक्स का वैल्यू, टी का वैल्यू, आर का वैल्यू, वाई का वैल्यू, सब कुछ आ गया, इधर एक्स का भी वैल्यू आ गया, ये एक्स का, तो एस का क्या होगा, वही सेम लॉजिक देखो, वही वाला ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो देखो यहाँ पे एक्स था हम लोगों का, और ये हम लोगों का निकल गया 110, तो बाकी कितना हो जाएगा 70 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, तो फिर एस इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पूरा जो है 180 है, तो 180 से 110 माइनस करो तो कितना होता है 70 आता है बेटा। अब हम लोग को क्या ढूंढना है, पी एन क्यू ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं पी एन क्यू। देखो यहां पे ये 100 है ना, ये 100 है, तो ये भी 100 होना चाहिए, मतलब 110 होना चाहिए, एक्स अगर 110 है तो ये भी 110 होना चाहिए कि नहीं, तो फिर Q का वैल्यू हो गया 110, क्यों, क्योंकि एक अंदर वाला एक बाहर वाला क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना, तो एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल क्यू, दैट इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो है 110 डिग्री, तो पी खुद से निकाल लो भाई, कैसे निकालोगे, ये अगर है हम लोग का 110, तो पी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो P का वैल्यू हो जाएगा 70 डिग्री, क्यों, क्योंकि वही वाला लॉजिक लगा सकते हो, नीचे वाले के साथ ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 70, तो इसको भी 70 होना पड़ेगा, यहाँ पे एस 70 आया था, तो यहाँ पे ये भी 70 आएगा, समझ में, तो सारा का सारा आंसर निकल गया, देखो पी क्यू एस वाई आर टी एक्स सारा आंसर निकल गया और कुछ नहीं है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 6.7, 6.7 देखो क्या है,
ये है 120, इधर है x, ये है 110, इधर है y, ये है z, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है ना, ये है p, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा बेटा, क्यों? तो अभी चलो सार का सारा निकालना है, तुम लोग निकाल सकते हो। ये 120 है तो ये x वाला कितना बनेगा, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, तो कितना बनेगा बेटा यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा, समझ में आ रहा है? देखो ये वाला 60 डिग्री बना, दैट मीन्स p कितना बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है तो ये भी बनेगा 60 डिग्री, समझ में आया? ये 120 है, दैट मीन्स ये भी कितना बनेगा, 120 डिग्री, समझ में आ रहा है? क्यों? इसके साथ इसका क्या रिलेशन, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक अंदर का एक बाहर, समझ में आ रहा है? अब देखो ये 110 है तो फिर ऊपर वाले भी 110 हो जाएगा, अब 110 है दैट मीन्स ये जेड भी हो जाएगा 110 डिग्री, क्यों नहीं होगा बेटा जेड 110 डिग्री, ये 110 है मतलब ये 110 हो जाएगा, है ना, ये 110 हो तो फिर ये जेड कितना होगा, 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, तो फिर देखो सारा का सारा आ गया वाई इक्वल्स टू 110, ये 110 ये 110 क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट, और यहाँ पे तो 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जेड इक्वल्स टू, है ना, तो फिर वाई का वैल्यू 110, एक्स का वैल्यू है 60, पी का वैल्यू है 60, क्यू का वैल्यू है 120 एंड जेड का वैल्यू है 70, तो आंसर हो गया आ गया। चलो ना मूविंग ऑन टू द सिक्स पार्ट 8।